हेलो फ्रेंड्स, जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका एक कांस्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर मेरा 10th में कम है, मेरा 12th में कम है, मेरा ग्रेजुएशन में कम है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, टॉप कॉलेज मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मुझे बोलना है इंटरव्यू के टाइम, इंटरव्यू तक मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे डेली करंट अफेयर्स, क्वांट शॉर्टकट्स, इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स आते रहते हैं। तो आप ये चैनल फॉलो कर सकते हो एंड डेली लेवल पे अपनी पढ़ाई को अपडेट कर सकते हो। एंड इसके साथ ही अगर आप एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए का, जीके का, जिसमें सारे के सारे एग्जाम्स को कवर अप किया गया है। हर एक टॉपिक की वीडियो है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की, ताकि भाई आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप हो जाए। एंड ये जो वीडियोज आप कहीं से भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप ये वीडियो देखते हो, उसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है, जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, इतना करने के बाद आपको ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक की रिक्वायरमेंट, ये अपने आप में फुल फ्लेज्ड कोर्स है। तो बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो studybus.co.in पे। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 8895893705 पर, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, तो क्या मैं कंपटीशन से बाहर हूं? डेफिनेटली नहीं हो। एक बात ध्यान रखना कि इवन अगर आपके लेस स्कोर्स हैं, यू आर इक्वल कैंडिडेट, आपका इक्वल कंपटीशन है, इक्वल चांसेस हैं एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। एक बात ध्यान रखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनी कॉलेजेस ऐसे हैं जो भाई डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, मतलब वो 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर भी नहीं देखते। आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, इंटरव्यू क्लियर करना है, आपका एडमिशन डन है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कंट्री में जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन देते हैं। प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन मतलब कि चाहे आपका 10th 12th में कम हो, लेकिन अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी हुई है, आपने एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज करी हुई है, या फिर आपका वर्क एक्स है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, तो उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लो ग्रेड्स डज नॉट मीन लो कैलिबर, इस बात को भाई हमेशा दिमाग में फिट रखना कि आपके नंबर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैलिबर कम है, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यूअर को जस्टिफाई कर सकते हो कि आपके ग्रेड्स कम क्यों हैं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। कैसे जस्टिफाई करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद एक बात और ध्यान रखो कि इंटरव्यूअर जो बैठा हुआ है ना, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है आपको सेलेक्ट करने के लिए, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू में अपने आप को स्मार्टली प्रेजेंट करते हो, आप टू द पॉइंट बोलते हो एंड अपने जो रीजंस हैं उनको सही से जस्टिफाई करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद बी प्रिपेयर्ड, तो लास्ट चीज है, अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे रिलेटेड, कि आपके कम नंबर क्यों हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उनके आंसर कैसे करने हैं, किस तरह से जस्टिफाई करना है, एक एक चीज मैं आपको यहां वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले राइट वे ऑफ आंसरिंग, आपको आंसर कैसे करना है, तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए, आपका मेन एम होना चाहिए डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम स्कोर्स टू स्ट्रेंथ। मतलब आपकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, हो सकता है आपने भाई इंटर्नशिप बहुत सारी करी हो सकता है आपका वर्क एक्स बहुत अच्छा हो, ये भी हो सकता है कि आपके स्कोर्स एंट्रेंस में बहुत अच्छे आए हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो इंटरव्यूअर है उसके अटेंशन को डाइवर्ट करना है, स्कोर्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करके अपने आंसर को स्विच करना है अपनी स्ट्रेंथ की तरफ। वो बताऊंगा कैसे करोगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप डाइवर्ट करना चाहते हो, तो आपको लेस टाइम देना है एकेडमिक्स को, मतलब जैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो उसे बहुत शॉर्ट में खत्म करना है एंड ज्यादा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अगर आप यही देते रहोगे आपके कम नंबर क्यों है, कम नंबर क्यों है, कम नंबर क्यों है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो पॉजिटिव एरियाज है, वो इंटरव्यू में आ ही नहीं पाएंगे एंड आपको इंटरव्यू में चैलेंज फेस हो सकता है। तो अब आपके सामने क्या क्या सिचुएशन आ सकती है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पांच तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो आपके एक या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कम नंबर है, तो अगर आपके एक या दो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कम नंबर है तो देर इज नो वरी, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप एग्जामिनर को इजीली बोल सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट ओवरऑल पढ़ाई में था, बट ये एक या दो सब्जेक्ट पर्टिकुलर थे, जो थ्योरी सब्जेक्ट थे या ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट थे, यहां पे मेरा इंटरेस्ट नहीं बना एंड इसीलिए मैं यहां पे स्कोर नहीं कर पाया। तो ये बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है, किसी भी स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होते, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
पुअर ग्रेड्स इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर। अब ऐसा हो सकता है आपके टेंथ टेंथ में कम रहे हो, ट्वेल्थ में अच्छे आ गए हो, ग्रेजुएशन में अच्छे आ गए हो, या हो सकता है आपके टेंथ में बहुत अच्छे रहे हो लेकिन आपके ट्वेल्थ में कम आ गए हो, ग्रेजुएशन में अच्छे आ गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेंथ ट्वेल्थ में अच्छे हो बट ग्रेजुएशन में कम आ गए हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर सेमेस्टर या पर्टिकुलर ईयर में आपके कम मार्क्स हैं तो आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, इस पर्टिकुलर ईयर में, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे अपनी पढ़ाई की तरफ, लेकिन लेकिन आपने कॉम्पनसेट कर दिया। उसको कैसे कॉम्पनसेट कर दिया? बाय स्कोरिंग इन अपकमिंग सेमेस्टर या अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज आप उनको बता सकते हो कि मैं उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं पढ़ पाया था, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में नहीं पढ़ पाया था ड्यू टू सम रीजंस, बट आई कॉम्पनसेटेड इट बाय परफॉर्मिंग वेल या बाय आउट परफॉर्मिंग इन द अपकमिंग ईयर। तो इससे एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि हाँ यार आपको कोई फेलियर हुआ तो आपने उससे काफी ज्यादा लर्निंग ली और वहां से आप मोटिवेट हो गए एंड आपके आने वाले जो ईयर थे उसमें काफी अच्छा आपने परफॉर्म करा एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर। तो वो इंटरव्यू जो है आपको सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद अगर मान लो कुछ इनिशियल सेमेस्टर में कम नंबर आए हो या फिर आपके 10-12 में कम नंबर आए हो बट ग्रेजुएशन आपने बहुत अच्छा स्कोर करा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि इनिशियली आई वॉज नॉट वेरी सीरियस, या फिर आप बता सकते हो आई वॉज न्यू टू द कॉलेज, में एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन वंस यू टुक ऑफ, एक बार ही आपने भाई टेक ऑफ कर दिया, उसके बाद यू नेवर स्टॉप, यू क्लियर ऑल द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो आप उनको ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर इनिशियल सेमेस्टर या 10th या 12th में अच्छा स्कोर नहीं था तो एट दैट टाइम यू वर नॉट वेरी मच श्योर कि आपको करियर में आगे क्या करना है। वंस यू गॉट द क्लैरिटी यू बिकेम वेरी फोकस्ड एंड डिटरमाइंड कि यही मेरा ऑब्जेक्टिव और ये मुझे अचीव करना है एंड इसके लिए मुझे अपने स्कोर्स भी बेटर करने हैं, मुझे कैट में भी स्कोर करना है, मुझे अपनी प्रोफाइल भी बनानी है, तो आई बिकेम वेरी डिटरमाइंड एंड आई आउट परफॉर्म, आई एक्सेल्ड एवरीवेयर एंड दैट्स हाउ टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर को क्या फीलिंग आएगी कि हाँ यार इनिशियली जब आप क्लियर नहीं थे तो आपको आइडिया नहीं था क्या करना है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, बट जब आपको पता चला कि आपको मास्टर्स करनी है, आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो आप बहुत फोकस्ड हो गए। और यही चीज चाहिए होती है जब आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हो, दैट यू आर वर्किंग विद योर पैशन एंड विद 100% फोकस, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि पुअर ग्रेड्स इन द लास्ट फ्यू सेमेस्टर। आपने कहा सर मेरा 10th अच्छा था, मेरा 12th अच्छा था, लेकिन मेरा फ्यू सेमेस्टर्स में लास्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे फाइनली में अच्छे नंबर नहीं बने, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या बोलना है? आप उनको बता सकते हो कि इन द फाइनल सेमेस्टर बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव टू गो फॉर माई मैनेजमेंट, तो आई स्टार्टेड डूइंग माई इंटर्नशिप, आई डेफिनेटली वर्कड ऑन बिल्डिंग माई स्किल्स, आई वर्कड ऑन एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज एंड मैंने अपनी प्रायोरिटाइज कर दिया था चीजों को, तो मुझे पता था मुझे पहले अपने एंट्रेंसेस क्रैक करने हैं, मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, क्योंकि कल को जब मैं एमबीए करने जाऊंगा तो मेरे पास एक एक्सपोजर होना चाहिए इंडस्ट्री का, मेरी एक प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं भाई एक मैनेजमेंट अच्छे से हैंडल कर पाऊं। तो आप बता सकते हो क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में अपना इंटरेस्ट दे रहा था एंड मैं काफी सारी चीजें उस टाइम एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें मैंने पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मुझे एक्सपोजर मिले रादर देन जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। तो इंटर्नशिप्स, प्रोफाइल बिल्डिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स, इनसे मुझे क्या मिला? इनसे मुझे एक्सपोजर मिल गया एंड मुझे आज क्लैरिटी है कि मुझे एमबीए क्यों करना है एंड मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। तो यहां से आपको क्या चीज पता चली? जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में पॉजिटिविटी आ गई कि हाँ यार अब आप एक ट्रैक पे चल रहे हो, आपको क्लैरिटी है कि किस फील्ड में आपको जाना है एंड आपका सिलेक्शन यहाँ पे भी डन हो जाएगा। सबसे मेजर जो चैलेंज आता है वो आता है पुअर ग्रेड थ्रू आउट। आपका 10th में भी कम है, आपका 12th में भी कम है, आपका ग्रेजुएशन भी कम है, तो अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे? यहाँ पे चैलेंज आ जाता है कि आपने कैट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया लेकिन आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत कम है, तो सर मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? तो इस चीज को समझो कि इन ग्रेड्स को आप चेंज तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हम ऐसा तो नहीं है टाइम मशीन में बैठ के पीछे चले जाए और अपने नंबर को बढ़ा दे, तो हमें यहां पे बहुत अच्छे से एक पूरी की पूरी अप्रोच के साथ आंसर्स देने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगेन सेम थिंग है, अगर आपने कैट में स्कोर करा है, अगर आपने एमबीए एंट्रेंस में स्कोर करा है, तो ये आंसर भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे समझो, तो जब आपके ओवरऑल पुअर स्कोर है तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि मैं सर स्पोर्ट्स में एक्टिव था, मैं ईसीए में एक्टिव था, मैं स्किल बिल्डिंग में ज्यादा रहता था, मैं एक्चुअल रोल्स में ज्यादा प्ले करता था, मैंने लीडरशिप स्किल को गेन करा है, मैंने मोटिवेशन स्किल्स को गेन करा है, मैंने मैनेजमेंट स्किल को लर्न करा है। तो जब भी आपके सामने ये आएगा कि व्हाई डिड यू स्कोर लो मार्क्स इन योर 10th एज वेल एज 12th एज वेल एज ग्रेजुएशन, तो व्हाट यू हैव टू से, सर डेफिनेटली आई एग्री दैट आई हैव स्कोर लेस इन माई 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, बट इट डज नॉट मीन्स दैट माई लो स्कोर्स डिफाइन माई लो कैलिबर। आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, आई हैव डेवलप्ड एडवांस स्किल्स, आई हैव डेवलप्ड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव डेवलप्ड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एंड आई वॉज अ पर्सन हु वॉज
ऑलवेज एक्टिव वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल जॉब्स। भाई मेरे को थ्योरी नहीं समझ में आता, मेरे को नंबर्स नहीं लाने आते, बट व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक डीलिंग, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आई कैन हैंडल दो सिचुएशन मच बेटर देन अदर कैंडिडेट्स। आई डन फाइव इंटर्नशिप्स इन माई करियर, दैट इज वाई आई लर्न हाउ टू मोटिवेट पीपल, हाउ टू मैनेज अ बिजनेस, हाउ टू मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली। तो मेरी सर जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो मेरी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज है, वहां से मैंने इतनी लर्निंग गेन करी है, एंड कभी मेरा कोर थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं आया। तो अगर आप नोटिस करोगे आज के डेट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पे आपके बुक के फॉर्मूले नहीं चलते हैं, वहां पे ये चलता है आपने रियल लाइफ में कितना एक्सपोजर देखा। तो आपको यही चीज बतानी है कि मेरा रियल लाइफ एक्सपोजर जो है वो इतना हाई है कि मैंने पिछले 4-5 सालों में मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें लर्न करी है, एंड यहां से मेरी जो लर्निंग है वो लर्निंग मेरे ग्रेड्स में नहीं दिख रही है। एंड आई डेफिनेटली बिलीव दैट आई एम अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एम बी एज वेल, बिकॉज इन एम बी ए रियल एक्सपोजर, इंडस्ट्री एक्सपोजर मैटर्स मोर देन द थ्योरिटिकल नॉलेज। तो इस तरह से आप बोल के अपने आपको जस्टिफाई कर सकते हो, एग्जामिनर भी समझेगा, वो देखेगा कि जब आपने 4 स्किल करी हुई है तो आपने कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने वो भी नहीं किया हुआ, आप कहते हो सर मैंने तो ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, मैंने इंटर्नशिप नहीं करी, मैंने लाइव प्रोजेक्ट नहीं करा, नंबर मेरे आए नहीं है, तो वो चीज नहीं बनेगी। अगर आपके नंबर नहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना स्टार्ट कर दो, कुछ स्किल बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दो, कुछ एनजीओ ज्वाइन कर लो, कहीं प्रोफाइल बना लो, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, विल अ हाई कैट स्कोर कॉम्पनसेट फॉर लो एकेडमिक स्कोर? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। अगर आपका लो एकेडमिक स्कोर्स है, इसके बाद भी आपके इक्वल चांसेस है कि आप टॉप कॉलेज में जा सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ कैट स्कोर देखते हैं, आपके एकेडमिक स्कोर्स को इतनी ज्यादा वेटेज नहीं देते, वो कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल आपको बनानी है, आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो, फ्री भी बनाए हुए हैं, पेड भी बनाए हुए, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। एंड उसके बाद सेलेक्टिंग राइट बी स्कूल, आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो 10-12 को कम वेटेज देते हैं, ग्रेजुएशन मार्क्स को कम वेटेज देते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स पे मिल सकते हैं, तो वो भी आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कॉलेजेस यू कैन गेट एट वेरियस स्कोर, ऐसे करके डालना आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड देन लास्ट में प्रिपेयर क्वेश्चन एंड आंसर, आप इन क्वेश्चन से बच नहीं सकते हो कि भाई मेरे कम नंबर है, मैं किसी तरह से एस्केप कर जाऊं। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है एंड बहुत शॉर्ट में अपने आंसर को खत्म कर देना है, बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, अपनी स्ट्रेंथ पे लेके आना है, बार बार अपनी स्ट्रेंथ पे लेके आना है कि सर मेरे 10-12 में कम है बट मैंने ये 4 स्किल सीखी हैं। तो ये जैसे आप बोलोगे 4 स्किल सीखी है तो एग्जाम में बोलेगा कौन सी 4 स्किल, आप बताओगे मैंने एक्सेल सीखा है, बिजनेस कम्युनिकेशन सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, फिर वो बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताओ। तो अब क्या हो रहा है, अब आपके जो कोर्स वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए एंड आपकी स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस तरह से आपको अपने आंसर देने, तो वो आंसर तभी होंगे जब आप अच्छे से उन आंसर को तैयार करोगे। सो आई होप आपको वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिली है, ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड भाई कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पे एंड अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। कम स्कोर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैट में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर दो ताकि आपके सारे पाप माफ हो जाएं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।